पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भारत के लिए पहेली बनी हुई हैं। इस बीच बड़ी खबर ये है कि यूपीएटीएस ने सीमा की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वो पाकिस्तान से दुबई और नेपाल होते हुए भारत कैसे पहुंची, उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इतना ही नहीं, पूरे सफर के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और उनकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली जाएंगी। यूपीएटीएस सीमा के अलावा उनके परिजनों की जानकारी भी जुटाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीमा के भारत में रहने से पाकिस्तान के कट्टरपंथी टेंशन में हैं। ऐसे में अब उन्होंने हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मोहब्बत के लिए सरहद पार कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा ने मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरी है। सचिन और सीमा की प्रेम कहानी के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब सुनाए गए हैं। आसपास ही नहीं, दूर दराज से लोग इस पाकिस्तानी बहू से मिलने और देखने उमड़ पड़े। लेकिन एक पांचवी पास सीमा कैसे सरहद पार कर गई, ये बड़ा सवाल है। सीमा ने चार चार मोबाइल फोन क्यों रखे थे, छह पासपोर्ट रखने की आखिर क्या जरूरत थी, और नेपाल के रास्ते भारत की सरहद में आकर दो महीने तक नोएडा में भी रही, इस दौरान जांच एजेंसियों को कैसे भनक नहीं लगी। ऐसे कई सवाल हैं जो लव स्टोरी से हटकर सीमा को शक के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यूपीएटीएस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई और फिर वाया नेपाल भारत कैसे आई, इस दौरान वो किन लोगों के संपर्क में आई थी, उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। यही नहीं, पूरी यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की भी पड़ताल होगी। साथ ही यूपीएटीएस सीमा के सभी परिजनों की कुंडली भी निकलवाएगी, इसके लिए तकनीकी मदद भी ली जाएगी। सीमा को पाकिस्तानी जासूस कहा जा रहा है, तो किसी का कहना है कि वो किसी खास मकसद से भारत आई है। लेकिन ये भी सच है कि हिंदुस्तान की बहू बन चुकी सीमा हैदर को भारत में बेहद प्यार मिल रहा है, उसे सराखों पर बिठाया जा रहा है। सीमा ने भी खुद को भारतीय संस्कृति में ढाल लिया है, तो वहीं सीमा को ऐसे देखकर पाकिस्तान के कट्टरपंथ बौखला गए हैं और पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। इस बीच एक मंदिर पर भी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है, वहीं इस मामले से भारत भड़का हुआ है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।